السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما अल्ला मसलिलहमदिन महमदिन कमा सल तब्राहिवअलीमीदुमजीद मबारिक महमदिन महमदिन कमारक मजीद महतरम इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, नौजवानों आज के हमारे इस दर्स का मौजू है ईसा वसलाम क्रिसमस और मुसलमान अपनी गुफ्तु का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि किरानी मजीद के अंदर अल्लाह रब्लम ने दो ऐसी खुशनसीब औरतों के ताल्लुक से तस्करा किया है कि जिनको प्यारे रसूल वसल्लम ने भी बाकमाल कहा है और बहुत ज़्यादा आला मकाम पर करार दिया दो ऐसी ख़वातीन या दो ऐसी औरतें जिनकी पाक बाज़ी जिनकी पाक दामनी जिनकी इफ़त के ताल्लुक से अल्लाह रब्लम ने कुर मजीद के अंदर गवाही है। ये दोनों खवतन कौन हैं एक हैं हमारी माँ उमुल प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रजील् तह और दूसरे हैं हजरत मरियम बिनत इमरान अलात वाम कि जिनका तस्करा अल्लाह ने सूरत तहरीम की आखिरी आयत में किया है और मुसलमानों के लिए ईमान वालों के लिए उन्हें मिसाल करार दिया है। और अल्लाह ने कहा है कि उन्होंने अपनी, अपनी इज्जत की हिफाजत की और वो पाक दामन खातून थी उन्हीं मरीम के बेटे हैं हजरत ईसी सलातु वसलाम तो सबसे पहले ईसी सलातु की माँ के तल्ल से आपके सामने कुछ बात बयान करेंगे इन श्ल्ला हज़रत ईसी सलात की माँ मरीम बिनते इमरान इनका तस्करा अल्लाह अल्लाबालमीन ने कुरानी मजीद की सूरा सूर आल इमरान की आयत नंबर पैंतीस से चवालीस में किया है और बीच में सकरिया आल सलातम का भी अल्लाह ने तस्करा किया जब ये अपने माँ के पेट में थी तो इनकी माँ ने यह नज़र मान ली ये मन्नत मान ली कि रब इन्नी नज़र तुल का माफी बकनी महर्रन फ़ाखल मनी कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है मैं नज़र मानती हूँ कि मैं इसे तेरे घर की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूँगी वक्फ़ कर दूँगी उनको नहीं पता था कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की है लेकिन वो लड़के की उम्मीद रख करके उन्होंने अल्लाह तबारक व ताल से इस बात की नज़र मान ली अल्लाह कहते हैं फलम्मा ववा चाह कि जब उन्होंने हमल जना या बच्चे की पैदाइश हुई या मुद्दत ख़त्म हुई हमल की और पैदाइश विलादत उनके यहाँ हुई तो कहा कि अल्लाह ये तो लड़की है और अब भी इन्नी वहाँ उन सामी माँ वदात और अल्लाह को मालूम था कि मरियम की माँ ने क्या पैदा किया है तो जब मरियम की माँ के यहाँ मरियम सलातम पैदा हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्लम से अच्छी उम्मीद के साथ ये कहा कि अल्लाह मेरी उम्मीद थी कि लड़का होगा लेकिन लड़का नहीं हुआ तो अब लड़की को मैं तेरे घर की खिदमत के लिए कैसे वक्फ़ कर सकती हूँ क्योंकि जो काम लड़का कर सकता है वो काम मर्द का है लड़के का है मैं तेरे घर की खिदमत के लिए अपनी लड़की को तो वहाँ नहीं भेज सकती इसलिए कि इसमें तेरी शरीयत के खिलाफ वर्जी है तो इसलिए अल्लाह तह वह इन्नी सब्मी तो हुआ मरियम अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रखा है वह इन्नी वी व बिका मिन शैतान रजीब कि मैं इसको और इसकी नस्ल को एल्ला तेरी पनाह में देती हूँ मरदूद शैतान से ये एक माँ का किरदार था जो मरियम सलाम की माँ ने पेश किया अल्लाह आलमीन के सामने और उन्होंने अपना किरदार ज़ाहिर किया मरियम आ सलात सलाम को उनकी माँ ने अल्लाह के हवाले कर दिया और अल्लाह की ज़िम्मेदारी में उसे डाल दिया कि अल्लाह मैं इसे तेरी पनाह में देती हूँ अब अल्लाह आलमीन ने उनकी इस दुआ को उनकी इस बात को कबूल किया और मरियम आलही की खसूसी तरबियत अल्लाह रबालमिन ने की वो नबी नहीं है इसलिए कि किसी खातून को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया सारे अम्बिया सारे रसूल जो आए सबके समर्द थे लेकिन अल्लाह ने खसूसी तरबियत की अपनी तरफ से और उन्हें जकरिया सलात की निगरानी में उनकी किफ़ालत में उनकी तरबियत में दे दिया जकररिया सलातु इनके रिश्तेदार थे खालू लगते थे इनके यानी मरियम के खालू लगते थे सकरिया अब जब मरियम की किफालत की बारी आई कि भाई मरियम की देख रहे कौन करेगा कौन करेगा इनकी किफालत तो इन सारे सरदार ये चाहते थे कि हम किफालत करें इसकी तो अल्लाह ने कहा है कि गैब की बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम आपको बता रहे हैं और आप उस वक्त मौजूद नहीं थे मरियम कि जब वो सारे सरदार बैठ करके कुरानंदाजी कर रहे थे कि कौन मरियम की कफालत करेगा कुरानदाजी कैसे की सारे सरदारों ने अपना अपना कलम पानी में डाला और ये फ़ैसला हुआ जिसका कलम ऊपर बाकी रह जाएगा वही मरियम आल सलात की किफालत करेगा अब सारे लोगों का कलम नीचे चला गया ज़करिया सलातू वसलाम का कलम ऊपर रहा और अल्लाह ने मरियम आल सलात वाम को ज़करियालातूूम की किफालत दुआएं ऐसे भी कबूल होती कि एक माँ ने अपनी बच्ची को अल्लाह की पनाह में दिया और अल्लाह ने उस पनाह की ऐसे लाज रखी कि खुद अल्लाह आलमीन उनकी निगरानी करता रहा और उस बच्ची को अल्लाह ने एक नबी एक पैगंबर की तरबियत और किफालत में दे दिया अब व सलाम ने उनके लिए अपने घर में एक जगह खास कर दी कि बच्ची यहाँ रहेगी यहाँ सब कुछ करेगी जो कुछ ज़रूरत होगी इसकी उसकी पूरी की जाएगी सब कुछ ला करके हजरत जकर सलात सलाम देते थे लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ करामत हुई मरियम आलिया सलात सलाम के यहाँ और करामत कैसे हुई कि जब जब जकरी सलातलाम यहाँ आते थे तो देखते थे मतलब अजीब अजीब रोजी है खाने पीने की चीज़ें हैं सामान है और मरियम आलिया सलात सलाम के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं उसमें बेमौसम का फल है खाने पीने की चीजें हैं जकरिया अली व सलाम ने ला करके नहीं दिया वही ला करके देने वाले किसी और को वहां आने की परमिशन और इजाजत नहीं है जकरिया जक्रियाली सलात सलाम ला करके देने वाले थे खाना पीना सब कुछ लेकिन कई मरतबा ऐसा हो गया कि मरियम अलैहि आलिया व सलाम के पास वो चीज़ें देखी जकरिया व सलाम ने कि जो ला करके उन्होंने नहीं दिया तो पूछा या मरियम लकी हाजा अरे मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया कहां से आया ये मैंने ला करके नहीं दिया तेरे पास कहा मिन बड़ी नहीं हुई है अभी बच्ची है तरबियत में है सकराम के अल्लाह आलमीन की तरफ इशारा करके कहते ये अल्लाह के पास से आया है और फिर अल्लाह ने क्या कहा इन यशाऊ बगैर हिसाब अल्लाह जिसको चाहेता है बगैर हिसाब के बग़ैर गिनती के रोजी देता है इसलिए कि अल्लाह आलमीन को कोई मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह आलमीन देने पर आए तो कितना देगा हम अंदाजा भी नहीं कर सकते तो एक तो देखें अल्लाह ने खुद अपनी निगरानी में रखा जकररिया सलात सलाम की सालत में दे दिया और फिर तीसरे ये कि अल्लाह रब्लमीन ने उनके लिए रोज़ी का ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि जकरिया सलात सलाम भी इस इंतज़ाम पर हैरान थे और शशदर थे अब मरियम आल सलात सलाम बड़ी हो गई बड़ी हो गई और जवान हो गई तो अब अल्लाह रब्लमीन की इबादत के लिए इन्होंने अपने आप को कौम वालों से अलग कर लिया अब इसका तस्करा ला रबालमिन ने सूर मरियम में किया है सूर सूर इमरान में भी जिक्र किया अल्लाह ने सर इमरान की आयत नंबर जो है पैंतालीस से आप आगे पढ़ें तो वहाँ अल्लाह रबालमी ने ज़िक्र किया है और सूर मरियम में आयत नंबर सोलह से पच्चीस में जिक्र किया है मरियम आल सलात वाम का मकाम भी यहाँ आप जानते चलें कि मरियम आल सलामाम जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा इनके पास फ़रिश्ते इनके पास आए और अल्लाह ने कवैलमला या मरियम इन अलाफ़ा की अरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है तुम्हारा इंतख्य कर लिया है और तुम्हें हर किस्म के ऐब से अल्लाह ने पाक कर दिया है और पूरी दुनिया की खुतिन पर अल्लाह ने तुम्हारा मकाम ऊँचा कर दिया तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए मरियम या मरियमूती रबी की वसजूदी वरकाई मार मरियम, अब ने। तो तुम्हें क्या करना चाहिए रब की फरमा बरदार बन जाओ रब के लिए सजदे करो रब के लिए रुकू करो और अपने आप को रब के हवाले कर दो अपने रब के लिए अपने आप को वक्फ कर दो हमारी जिंदगी में भी जब अल्लाह की तरफ से नेमतें आए एहसानात आए तो हमें अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए बजाय इसके कि हम भूलें अल्लाह को हमें अल्लाह की उन नमतों पर अल्लाह का शिक्र अदा करना चाहिए तो मरियम सलातम बड़ी हुई और प्यारे नबी सल्हे ने क्या फरमाया हदीस के अंदर आप सला वसम फरमाते हैं जो सही बुखारी के हदीस हदीस तीन हजार चार सौ ग्यारह फर का मर्दों में बहुत से मर्द बाकमाल हुए बहुत सारे मर्दों का मकाम बहुत ऊंचा किया अल्लाह ने और मर्दों के मकाम के लिए ये बात काफ़ी है कि सारे अम्बिया सारे रसूल मर्द थे लेकिन प्यारे नबी सल्ला वसलम उसी हदीस में फरमाते वलम और औरतों में बहुत ही कम औरतें बा हुई हैं आसिया का नाम लिया आप सल अल्लाह वसम ने फिर उनकी बीवी और आपने कहा व मर यम इमरान मरीम बिनते इमरान बा कमाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने दुनिया में आने वाली ख़वातीन में जो बाकमाल ख़वातीन हुई हैं उनमें एक नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला नेसी सलाम थिस्यौ� की माँ मरियम बिनते इमरान का लिया अब ईसा सलाम तो के हम पैदाइश का तस्करा करेंगे अल्लाह रबीन ने शुर मरीम की आदत नंबर सोलह से पच्चीस में जिक्र किया है कि जब मरीम सलातम ने इबादत के लिए अपने आप को अलग कर लिया तो एक दिन क्या हुआ मिंदू नही हिजाबा फारूहना अल्लाह क्या कहते हैं जब वो कौम से अलग हुई तो एक दिन ऐसा हुआ हमने रूह को भेजा रूह को यानी किसको जिबरी वो इंसानी शक्ल में मरियम के पास आए आरोबर अमीन का इनकुन से तकैया कम है तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू तकवाला है तू परहेजगार है तो मेरे पास किस लिए आया समझ में नहीं आया उनको जिबीन आसलाम ने कहा देखो मैं रब का पैगम्बर हूँ कासिद हूँ मैसेंजर हूँ अल्लाह ने मुझे एक पैगाम देकर के भेजा क्या पैगाम है लिया हबाला ताकि मैं तुम्हें एक जो है पाकबाज खूबसूरत और गुनाहों से पाक ऐब से पाक तुम्हें एक खूबसूरत बच्चा दूँ गई अजीब बात करते हो मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा किसी इंसान ने छुआ नहीं है मैं जानिया नहीं हूं बदकार नहीं हूं मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ मेरे यहां बच्चा कैसे होगा तो जिब्रील जबरी सलात ने कहा ये मेरी तरफ से बात नहीं ये तुम्हारे रब ने यह पैगाम दे करके बेचा ये तुम्हारे रब की बात है मेरी बात नहीं है तुम्हारे रब की बात है तुम्हारे रब ने यह भी कहा है हुआ हुआन ये मेरे लिए बड़ा आसान है मैं ये काम कर सकता हूं और इसलिए भी वली और ताकि हम इस बच्चे की पैदाइश को लोगों के लिए निशानी बना दें कि अल्लाह की कुदरत पर लोगों को यकीन आए वक़ान कहना अमर मक़दिया और मरियम इसका तो फैसला हो चुका है कि अल्लाह ताला ने इसका फैसला कर लिया मानो ना मानो तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली फैमालत अल्लाह के हुक्म से जबरील अमीन आलातम ने उनके गिरेबान में फूँक मारा और मरियम सलात वाम हमल से हो गई अल्लाह ताला ने चार तरीक़ों से इंसान को पैदा किया नंबर एक बिना किसी मर्द और औरत के आदम मर्द के जरिए हव्वा हवाम सिर्फ़ औरत के जरिए हिसा सलात सलाम मर्द और औरत दोनों के मिलाप के जरिए हम और आप ये चार तरीकों से अल्लाह रब्लम ने इंसानों को पैदा किया फ़ा मल हुत सलाम हमल से हो गई फन तब भी मका कसिया अपने आप को और अलग थलग कर लिया लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया फाल मका अब ये पूरा पीरियड गुजरा पूरा वक्त गुजरा एक लंबी मुद्दत गुजरी और दर्द जह का वक्त आया बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो मरियम आलिया सलात वसलाम परेशान होकर के तकलीफ में वो एक औरत समझ सकती खजूर के तने के पास आकर के टेक लगा करके बैठ गई और क्या कहने लगी या चनी मितु कब ला ए इससे पहले मैं मर गई होती हमारे साथ कभी कभी ना कुछ गलत होता है हमें लगता है अरे काश इससे पहले मर गया होता लेकिन उसमें हमारे लिए कितना खैर है ये सिर्फ अल्लाह जानता है ये सिर्फ अल्लाह जानता है हर हाल में रब के फैसले पर राजी रहना चाहिए हर हाल में हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है रब जानता हमारे लिए क्या बेहतर है मरियम अपने ऊपर अफसोस करी। या मित कबला हादा। ए काश मैं मर गई होती इससे पहले वकुन तु और किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि मरियम बिनते इमरान नाम की भी कोई खातून दुनिया में आई थी मैं भुला दी गई होती मुझे कोई जानता ही नहीं मिन तहती है। अल्लाह की तरफ से तसल्ली का मैसेज और पैगाम आया अल्ला मरियम परेशान नबू की तहता की सरिया यहाँ जहां तुम मौजूद हो यहीं पर तुम्हारे लिए अल्लाह रबी ने बेहतरीन इंतजाम कर रखा है खाने का भी पीने का वहू की यहाँ तुम्हारे लिए पीने का पानी मौजूद है खजूर का तना पकड़ करके हिलाओ हम दिन भर हिलाते रहे खजूर का पेड़ खजूर नहीं देगा हमें नहीं दे सकता इतना लंबा चौड़ा जो होता है ऊपर कहीं जाकर के वहां पर खजूर का फल मौजूद होता है और हम नीचे पकड़ करके हिलाए कितनी हाइट रही होगी पांच छे सात आठ नौ दस फुट की हिलाते रहो दिन भर कोई फल नहीं मिलने वाला अल्लाह ने कहा कि बीजीज नखला मरियम एक तो सिर्फ नाजुक औरत औरत जात है कितनी ताकत होगी कितना हिला पाएंगी वो कहा खजूर का तना पकड़ करके हिलाओ तो रुतब खजूर मिलेगी तुम्हें ताज़ा एकदम बिल्कुल बेहतरीन खजूर मिलेगी फकुली वशरबी वकर्री आईना खाओ पियो अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ चिंता छोड़ दो परेशानी छोड़ दो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है अगर तुम किसी इंसान को देखो और वो तुमसे बात करना चाहे गुफ्तु करना चाहे फकूली तो कह दो इन्नी नजर तुलर रहमान सोमा मैंने रहमान के लिए रोज़े की नीयत कर रखी है तो मैं भूल करके भी बात नहीं कर सकती इशारे में बात करो इशारे में बात करो तो ईसा अलीसलात सलाम पैदा हुए उनके यहाँ पैदाइश हो गई मरियम आल सलात सलाम के यहां अब ईसा अलीसलात सलाम की जिंदगी देखें बचपन से ही मोजात से भरी हुई है बल्कि पैदाइश से पहले ही मोजा हो रहा है उनकी मां के यहां जिसको आम इंसानों के अंबिया के साथ हो तो मोजिजा कहते हैं और आम इंसानों के साथ हो तो करामत कहते हैं उसको। ईसाली सलाम के घर में करामतों का मोजों का जहूर पहले से हो रहा है। तो ईसाली सलातुल सलाम पैदा हो गए अब मां के पास एक बड़ा मरहला है कि भाई ये आज तो चलो दो चार दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन छुप छुपा करके गुजर जाएंगे लेकिन कल तो कौम के सामने जाना होगा कल तो ये बच्चा बड़ा होगा लोगों का सामना करना पड़ेगा फात भी कौम वालों वालों के सामने आई कौम वालों ने देखा हैरान हो गए कभी कभी जो नजर आता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नजर नहीं आता खालू या मरियम मरिया मुल जीतीन फरिया मरियम ये क्या तुम्हारे हाथ में बच्चा

तुम्हारा बाप बदकार नहीं था तुमने ये काम कर लिया इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई हमारे यहां भी ना समाज और माशरे में लड़का कोई गलत काम कर ले तो वालदेन का हवाला दे करके कहते हैं ना अरे तेरी मां तो बड़ी अच्छी है तेरा बाप तो बड़ा अच्छा है तूने ये काम कर लिया तेरे वाले को लोग क्या कहेंगे तो ऐसे ही मरियम से भी लोगों ने सवाल किया ले। सिर्फ इशारा किया इसलिए कि नजर मान लिया था कि बात नहीं करेंगे कालू, फिल्मादी एक तो बच्चा तुम्हारे हाथ में बोलती नहीं हो इशारा कर रहे हो कि बच्चे से पूछ लेन कैसे बात करेंगे जो बच्चा अभी गोद में है इन्नी बच्चा बोल उठा मैं अल्लाह का बंदा हूं मैं अल्लाह यहीं से एक अकीदा सलाम ने जब पहली मरतबा बात की वहीं से सबसे पहले तोहैद का ऐलान किया और इस अकीदे की तरदीद की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूो दुनिया में मौजूद है इस अकीदे की तरदीद की इन अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा बंदाऊ जोड़ा अपने आप को अल्लाह से अल किताब आताबल नबीया अल्लाह ने मुझे किताब दी नबी बनाया मुबारक बनाया जहाँ कहीं रहूँ मुझे नमाज़ पढ़ने का जक़ात देने का हुक्म दिया जब तक भी जिंदा रहूँ और मेरी माँ के साथ उसने सलूक करने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और अल्लाह ने मुझे बदबाख मुझे बेकार नहीं बनाया है। फिर अल्लाह क्या कहते हैं मरियम ये ईसा इबन मरियम है कऊलफी ही और उनकी पैदाइश के सिलसिले में लोगों का बड़ा इख्तलाफ है क्या है कैसे है क्यों है ना जाने क्या क्या लोग कहते सच और हक बात यही है कि जो हमने यहां पर तफसील के साथ बयान कर दिया और आप जानते हैं यही वो आयात हैं कि जब पहली मरतबा दूसरी मरतबा हिजरत करके मुसलमान हबशा गए और हबशा के बादशाह नजाशी से मुलाकात हुई काफिरों ने अपने दो कासिद भेजे कि इन मुसलमानों को हमारे हवाले कर दो ये हमारे अपने हैं तुम्हारे यहां ये लोग अमन की तलाश में गए हैं इनको हमारे यहां वापस कर दो तो जाफर रबी अल्लाह जो नबी सल्हम के कजिन हैं बड़े भाई हैं उन्होंने तकरीर की और तकरीर के बाद उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी बादशाह के कहने की वजह से और यही सूर मरियम की आयतें पढ़ी जिनमें मरियम का और ईसा औरलातलम का तस्करा और जब तिलावत से फारि हुए तो अल्लाह ने कबाई समा रसूलिन तो बादशाह के और उसके मुसाहिबीन जो बैठे हुए थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बादशाह ने तिलावत ख़त्म हो जाने के बाद ज़मीन से तिनका उठाया और कहा अल्लाह की कसम ईसा आलतम के तल्क से तुम्हारा जो अकीदा है ईसा आसलातू साम उससे इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं थे मतलब वही थे जो तुमने यहाँ कुरान की आयतों के हवाले से बयान किया ईसा सलाम पैदा हो गए बचपन की जिंदगी गुजर रही है अच्छा हजरत ईसा आल सलात को अल्लाह ने बहुत से मुआजात और कमालत से नवाजा था जिसको अल्लाह रब्लम ने सुर इमरान की आयत नंबर पैंतालीस से पचास में और सूर्यमादा की आयत नंबर एक सौ दस में जिक्र किया है इस आली इसल सलातम क्या क्या करते थे देखिए अल्लाह ने उन्हें किताब दी कौन सी इंजील अल्लाह ने उन्हें इंजील नामी किताब दी बचपन में उन्होंने बात किया और बचपन ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी और रसूल बना दिया आगे बढ़ेंगे तो बनी इसराइल के जो बड़े पैगंबर आए उनमें से एक नाम हजरत ईसा अलीसलात सलाम का है फिर इसी तरीके से हजरत ईसा सलातम को अल्लाह ने यह ताकत दी थी कि हजरत ईसा सलात मिट्टी से परिंदे की शक्ल का जानवर बनाते थे और फिर उसमें फूक देते थे तो उसमें रूह आ जाती थी और अल्लाह के हुकम से वो उड़ने लगता था ये हजरत ईसी सलातम को अल्लाह ने ताकत दी फिर हजरत ईसा सलात अंधो को ठीक कर देते थे हजरत ईसा सलात सलाम बरस की बीमारी वाले को सफेद दाग की बीमारी जो उस वह जमाने में बहुत बड़ी बीमारी थी वो ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे वो मौता मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं अल्लाह के हुक्म से और उसके बाद वो उनबी आपने अपने घर के लॉकर में क्या छुपा रखा मुझे नहीं मालूम लेकिन ईसा सलाम सब जानते थे कौन क्या खा रहा है क्या पी रहा है क्या कर रहा है क्या सारी चीज़ें क्या जमा कर रखा है घर में सब कुछ रहते तो ईसा सलाम को मालूम था और क्या कहते थे जानते वो मुसद्दीकलिमा बई मिन तौरा कहते थे मुझसे पहले सलाम आए थे उनको तौरात मिली थी उसकी तस्दीक करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बनी इसराइल पर पहले हराम थी अब अल्लाह के हुक्म से मैंने उसको हलाल कर दिया है और फिर सूरत की आयत नंबर छः के हवाले से अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल को सलाम ने दावत दी और ये खुशखबरी सुनाई कि मेरी कौम के लोगों तुम्हारे पास एक रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम क्या होगा जिनका नाम अहमद होगा तो यह सारी चीजें के तौर पर हजरत ईसा सलात को आचा की थी आगे बढ़ेंगे अब ईसा सलातम ने दावत तब्लीग करना शुरू किया बनी इसराइल में अच्छा ये बनी इसराइल में बहुत सारे अंबिया है बनी इसराइल कहां से आगाज होता है इसका इनका जो सिलसिला कहां से इसका आगाज होता है याकूब सलाम से याकूब क्योंकि अलीकूब अलीका नाम है याकूब सलाम का और उनके कितने बेटे थे बारह यूसुफ ने ख्वाब में क्या देखा था ग्यारह सितारे सूरज चांद सजदा करे तो ग्यारह सितारों से मतलब उनके ग्यारह भाई और वो एक मिला करके बारह तो बारह बेटे थे हजरत याकूब बारह खानदान निकले उनमें से तो याकूब अलैहिस्सलाम से इसहाक़ इसहाक से याकूब याकूब से यूसुफ़ और उसके बाद पूरा सिलसिला चला उसमें मूसा फिर आए फिर ईसा आए उसके बाद बनी इसराइल में अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया इधर से इब्राहिम के दूसरे बेटे इसमाही की नस्ल से एक पैगम्बर आए और वह कौन आए महमदुर रसोल तो हजरत ईसा सलातम ने तब्लीग करना शुरू कर दिया और बनी इसराइल यानी जो यहूदी थे गुमराह हो चुके थे उनको राह रास पर लाना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने इनकी बात मानी इनकी दावत को कबूल किया कई एक लोगों ने लेकिन ये कौम यहूद जो है ना जब इसने मूसा सलाम को परेशान किया तो उनके बाद ईसा अली सलात वसलाम को कैसे छोड़ सकते थे लोग तो ईसा अली सलात वसलाम के खिलाफ इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया फलम सामीनकुफरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है सूरत वगैरह में और सूरह आले इमरान में भी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को यह लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे मेरे दुश्मन बन जाएंगे तो उन्होंने कहा कि कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करेगा तो कुछ लोग तैयार हो गए इनकी मदद करने के लिए जिनको क्या कहा जाता है हवारी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को क्या कहा जाता है सहाबी या सहाबा ऐसे उनके लिए हवारी और उसकी जमा हवारीयून तो कुछ लोग तैयार हो गए अब ये सारे लोग ताक में प्लान में रहते थे यहूदी कि कब इनको हम कहीं पाए और इनको कत्ल कर दे मार दे इनको शहीद कर दें तो एक मरतबा मौका पा गए और ईसाई सलाम को घेर लिया और उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक उनको कत्ल भी कर दिया सूली भी दे दी और यही चीज मशहूर हो गई लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं सूरत उन्नीसा के आयत नंबर एक सौ सत्तावन एक सौ अट्ठावन में कि मरियम रसूल अल्लाह कि इनका जो ये कहना है यानी यहूदियों का कि हमने ईसा इबन मरियम को कत्ल कर दिया है नौ रुबिल्ला तो ये इनका कहना गलत है वमा कतलू वमा सलबू ना ही ये लोग कत्ल कर सके ना ही सूली दे सके फिर इनको कन्फ्यूजन हो गया अल्लाह ने इनको किसी confusion में डाल दिया और हुआ क्या? ने 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 इनको जिंदा आसमान पर उठा उठा लिया लिया। जैसा कि कि आयत में ज़िक्र किया। नहीं कहा कि ने उनको उठा लिया। इतना अगर कह देते तो डाउट हो जाता भाई उठा करके कहां रखा कहीं छत में पहुंचा दिया कहीं पहले आसमान पर है कहीं किसी और जगह है कहीं खलाओं में है कहीं फजाओं में कहां है कहा तो अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह क्या है बुलंद है अल्लाह बुलंद है यानी अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया और इनको कंफ्यूजन कैसे हो गया कि अल्लाह ने जब इनको उठा लिया तो अल्लाह ने ईसा अलीसलातलम की शक्ल का एक बंदा जो उन्हीं के दरमियान था उसको बना दिया और उन लोगों ने अपने ख्याल के मुताबिक उसको सूली दे दी और यह मशहूर हो गया कि ईसा अलीसलातलाम को हमने सुली दे दिया और उसी का गम आज तक ये ईसाई मनाते हैं और बहुत सारे लोग जो इनके अंदर हैं अच्छे भी हैं लेकिन अक्सर ही जो है गुमराह हो चुके ईसाई आल सलाम के बारे में मानते हैं कि वो मसलूब हो गए थे उनको सुली दे दी गई थी और उनको कत्ल कर दिया गया था आगे बढ़ेंगे हजरत ईसा सलाम अब चूंकि उस जमाने में जिंदा आसमान पर उठा लिए गए उसके बाद बनी इसराइल जो है यहूदी भी गुमराह हुए ईसाई भी गुमराह हुए और यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ ईसाइयों को अल्लाह ने गुमराह करार दिया फिर एक लंबी मुद्दत गुजरी तकरीबन 570 साल के बाद यानी ईसीतलम तो के ज़माने से 570 साल के बाद प्यारे नबी अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा और आप अलैहि वसल्लम आए आखिरी नबी आखिरी रसूल बन करके और आपने कुरान के ज़रिए अपनी अहादीस के जरिए उम्मत को तमाम लोगों को पैगाम दिया और ये भी कहा कि उस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है अगर मेरे बारे में कोई सुनता है चाहे वो यहूदी हो ईसाई हो कोई भी हो और मुझ पर ईमान लाए बगैर वो मर जाता है तो इल्ला काना मिन तो वो में में जाएगा। अब इस्लाम, शरीयत और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं कि ईसा का फिर आगे क्या होने वाला है इस चीज को हम जानते हैं तो देखें कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है ईसा सलात ने सूरत की आयत नंबर इकसठ में जिक्र किया कहा कि ईसा यानी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है लिहाजा लोग निशानियों में से एक निशानी है अच्छा ये तो अल्लाह ने तौर से जिक्र किया लेकिन प्यारे रसूल वसल्लम ने हदीस के अंदर वाजह तरीके से इस बात का जिक्र किया जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है हदीस नंबर 2901 क्या कहा आपने साहबा को एक मरतबा आपने देखा कि कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में तो आपने साहबा से पूछा मा तजा करून क्या गुफ्तु हो रही है तो साहबा ने कहा नजर या नजा कर हम क्यामत के बारे में बात कर रहे हैं तो प्यारे रसूल सल्लाम भी शरीक हो गए और आपने साहबा की उस मजलिस में बैठे हुए तमाम लोगों को एक पैगाम दिया और कहा देखो जिस क्यामत के बारे में तुम लोग गुफ्तु कर रहे हो ये उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम उससे पहले दस बड़ी निशानियां ना देख लो वो दस बड़ी निशानियां क्या है धुआं नंबर दो दज्जाल नंबर तीन जमीन से जानवर निकलेगा जो तमाम लोगों के बारे में बताएगा कौन ईमान वाला है कौन ईमान वाला नहीं है नंबर चार सूरज का वेस्ट से निकलना मगरब से निकलना नंबर पांच ईसा अली सलात वाम का नज़ूल ईसा ये ये लफ्ज याद रखिए ईसा सलाम का नज़ूल करना नंबर छः याजूज और माजूज का खरूज और नंबर सात आठ और नौ तीन बड़े जलजले एक जलजलेट में एक वेस्ट में और एक ज़ज़ीरतुल जजीरतलरब में और नंबर दस एक आग जो तमाम लोगों को हाक करके कहाँ ले जाएगी मैदान मशर में जो कहाँ कायम होने वाला है सीरिया यानी शाम में वहां पर मैदान महशर कायम होगा दुनिया भर के तमाम लोगों को वो आग हाक करके वहीं पर ले जाकर के जमा कर देगी तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की दस बड़ी निशानियों में से एक निशानी है अब यहां पर लफ्ज पर आप गौर करें प्यारे नबी ने क्या कहा वनजूलू उतरना आदमी उतरता कहां से ऊपर से आदमी ऊपर से उतरता है नीचे की तरफ अब अच्छा यहीं पर आप देखें बाज रिवायतों से वुरूजू कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज के ताल्लुक से याजूज और माजूज का हरूज यानी उनका निकलना याजूज और माजूज दीवार के पीछे कैद हैं जो ुलन बादशाह ने तैयार की थी तो जब वो दीवार टूट जाएगी तो वो लोग निकल जाएंगे ऐसे ही वह ूरू बाज रिवायतों के हवाले से मालूम होता है कि मेहदी का जहूर इमाम मेहदी लोगों के दरमियान होंगे लेकिन लोगों को मालूम नहीं होगा फिर अचानक से लोगों को मालूम हो जाएगा कि इमाम मेहदी यही है और उनका जहूर हो जाएगा वो लोगों के दरमियान ज़ाहिर हो जाएंगे ईसा सलाम के ताल्लुक से क्या लफ्ज इस्तेमाल किया नजूल ईसा ईसा का नाजिल होना यानी वो आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे ये बड़ी निशानियों में से एक निशानी है अच्छा जब ईसा सलात जमीन पर आएंगे तो फिर आप देखें क्या क्या काम करेंगे हदीस हम देखते हैं इस सलाम का नजूल होगा तो आएंगे तो सलीब तोड़ेंगे सलीब सारे क्रिश्चियन ईसाई दो पहन करके गले में पहनते हैं कान में पहनते हैं और न जाने कहाँ कहाँ पहनते हैं वो पहन कर चलते हैं उनका पूरा एक निशान बन गया है उसको तोड़ेंगे पूरी दुनिया से उसको ख़त्म करेंगे एक काम दूसरा काम खजीर को कत्ल करेंगे खजीर को बहुत सारे लोग जो है गुमराह लोग और जो है नादान और बेवकूफ़ लोग खजीर का गोश्त खाते हैं और उनकी वो अलामत है तो उसको कत्ल करेंगे ईसा सलाम की बददुआ से याजूज और माजूज का फितना खत्म होगा और वो लोग दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे ईसा अलीसलातूसम अपने खंजर से अपने हथियार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसा आल सलाम लोगों के दरमियान रहेंगे हदीस देखते हैं मुसन्द अहमद की हदीस है हदीस नंबर नौ हज़ार दो सौ सत्तर अबू हरे रजी अल्लाते हैं नबी सल्हे वसम ने फरमायांबिया भाई हैं आपस में अम्बिया आपस में भाई भाई हैं इसलिए कि एक ही जै, मतलब जैसे एक ही प्रोफेशन में हम हो तो आपस में भाई भाई हो जाते हैं एक ही इलाके में हो तो आपस में एक दूसरे को भाई समझ लेते हैं तो वो एक ही जो है कैटेगरी के लोग हैं तो आपस में भाई भाई हैं उम महा तो हम शत्ता उनकी माएँ अलग अलग हैं यानी अल्लाती भाई किसको कहते हैं कि माँ अलग अलग हो लेकिन बाप एक हो तो क्या कहते हैं उसको अल्लाती भाई कहते हैं तो ऐसे ही अंबिया की माएँ अलग अलग है लेकिन दीन क्या है उनका एक ही वही इस्लाम आदम से शुरू होकर मोहम्मद खत्म यही तमाम अंबिया का दिन था तो दिन एक होने के अतबार से तमाम अम्बिया आपस में भाई भाई और आपने फरमाया, फरमायासी बेस अब मरियम कि मैं तमाम लोगों में ईसा इब्ने मरियम के सबसे ज्यादा नज़दीक हूँ इसलिए कि ईसा के बाद नबी वसल्लम रसूल बना करके भेजे गए उसके बाद आपने फरमाया कि उनकी सिफात बयान की और उनकी सिफ़ात बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयादुख सलीबा ईसा सलाम जब नाजिल होंगे सलीब तोड़ेंगे वखतुलखिनजीरा खजीर को कत्ल करेंगे वया व उजिजियता और टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर देंगे पूरी दुनिया में जो टैक्स का निज़ाम है वो खत्म हो जाएगा इस्लाम और लोगों को इस्लाम की दावत देंगे फ़ईकल्लाफ़ी ज़मान ही अलमीलाकुल्लास््लाम और अल्लाह उनके ज़माने में तमाम दुनिया भर के जो बातिल अदियान मजाइब मिलत और अकवाम हैं, उन तमाम को ख़त्म कर देगा सिर्फ़ इस्लाम बाकी रहेगा सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा वो ज़माना आने वाला है जब पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होंगे सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम का गलबा होगा उसके बाद कहा वही हलिकल्लाफी जमान ही अलमसीहत दज्जाल अल्लाह ताला उनके ज़माने में मसीह दज्जाल को ख़त्म करेगा al al और ईसा सलात हाकम होंगे बादशाह होंगे और अदलानसाफ़ के साथ काम लेंगे यहाँ तक कि आपने फ़रमाया उनकी बादशाहत में पूरी दुनिया में अमन भर जाएगा हर तरफ पीस हर तरफ अमन हर तरफ शांति सुकून यहां तक कि आपने फरमाया, फरमायाल उसूद आप हैरान हो कि शेर जो है वो ऊंटनियों या ऊंटों के साथ एक ही जगह पर घास जो है खा रहे होंगे इतना अमन होगा सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों के दरमियान भी और आगे कहा वनिमार उल बकरी चीते जो है वो गायों के साथ जो है वो घास चर रहे होंगे घास खा रहे होंगे गनमी और भेड़िए बकरियों के साथ एक ही जगह पर बैठ करके घास खा रहे होंगे उसके बाद आपने फरमाया वह बच्चे जो है सांप वगैरह जैसे जहरीले जानवरों से खेल रहे होंगे ला तदुर और ये सांप जैसे जहरीले जानवर उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये कब होगा इस आल्सलातम जब जाहिर होंगे और इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में जो सही बुखारी की हदीस हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ अड़तालीस आप सलील वसम ने सारी चीज़ें गिनवाई कि सलीब को तोड़ेंगे खंजीर को कत्ल करेंगे टैक्स को जो है ख़त्म कर देंगे उसके बाद आपने फरमाया व हत्ता ला वी अहद माल इतना ज़्यादा हो जाएगा लोगों के पास कि लोग ऐसे अपने हाथ में माल लेकर के फिर रहे होंगे कि भाई कोई मेरा माल ले लो कोई मेरा माल ले लो कोई मेरा कोई भी कबूल करने वाला नहीं होगा कोई कबूल कर तो कहे हमारे पास तो फरावानी है तुम हमें दे करके क्या हमें ज़रूरत नहीं है जाओ कोई कबूल करने वाला नहीं होगा इतना ज़्यादा माल हो जाएगा और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता न सजदतु अलवाहिदतु तु मिन दुनिया वमाफीहा एक सजदा ये दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर हो जाएगा तमाम लोग इबादत करने वाले अल्लाह तबारक तआला के होंगे और उस वक्त पूरा अमन होगा पूरी शांति होगी उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसनद अहमद की हदीस के अंदर बयान किया फयम कुरबी आने के बाद कितने दिन रहेंगे चालीस साल चालीस साल रहेंगे फिर उनको वफात दे दी जाएगी वही उसली वहीसली अलहिलसलिम और जो मुसलमान उनकी वफात के वक्त ज़िंदा रहेंगे वो उनकी नमाज जनाजा पढ़ करके उनको दफन कर देंगे ये ईसा आलहीसलातूसलाम के तल्लुक़ से हमारा अकीदा है बाज़ रिवायतों के हवाले से जो है सही रिवायतें नहीं हैं ईसा सलातम की शादी उनकी बीवी उनकी फ़ैमिली के तल्ल से कोई शरीह क्लियर बात कुरान और हदीस से मालूम नहीं होती है तो अगर शादी हो भी ना भी हो तो उससे ईसा के मकाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए इस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए तो ये सारी बातें अच्छा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर सही मुस्लिम की हदीस नंबर एक सौ पचपन है आपने फरमाया ईसा अलीसलातलम जब तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर होंगे तो कैसे हा अदलन मुक्सितन हाकिम बनकर के आदिल बन करके इंसाफ करने वाला बन करके एक हदीस के अंदर आपने फरमाया सही बुखारी की फरमायादी से थ्री डबल फोर नाइन कईन मरियम तुम्हारी खुशी उस वक्त कैसी होगी कि जब ईसा इबन मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे तुम्हारे दरमियान उतरेंगे वह इमाम और आपने क्या फरमाया कि इमाम वो नहीं होंगे बल्कि इमाम में से हो और कौन होंगे वो कौन होंगे वो मेहदी अली इमाम मेहदी अलीसलातलम या जो भी आप उनको रजी कहले रही कहले तो ये जो है ईसा सलात अच्छा उसके बाद फिर हरते ईसा सलात हाकिब बन जाएंगे अच्छा उम्मीती की हैसियत से दुनिया में आएंगे नबी की हैसियत से नहीं आएंगे उनकी नबी और रसूल की हैसियत जो थी वह मुकम्मल हो गई जिंदा आसमान पर उठा लिए गए नबी सल्हलम आए खत्म लेकिन अब जो दुनिया में नाजिल होंगे वो नबी और रसूल की हैसियत से नाजिल नहीं होंगे बल्कि नबी सल्लाम की उम्मत के एक फर्द की हैसियत से एक उम्मती की हैसियत से इसीलिए यह हदीस जो मैंने अभी पढ़ी ना सही बुखारी की थ्री डबल फोर नाइन आपने क्या फरमाया? हुआ इमाम विन मिनकुम। ईसा सलाम जब नाजिल होंगे तो इमाम कौन होगा ईसा नहीं होंगे बल्कि मुसलमानों में से उम्म मोहम्मदिया का एक फर्द जो है वो इमाम होगा और अगर ईसा नबी की हैसियत से आते तो नबी के होते हुए कोई आम इंसान इमामत करे ये नबी की शान के खिलाफ है तो इसलिए उम्मती की हैसियत से आएंगे नबी की हैसियत से नहीं आएंगे ये तो बात हुई सारी वो जो ईसा आलसलातलम के ताल्लुक से साबित है और जो ईसा अलीसलातलम के ताल्लुक से कुरान और हदीस में बातें बयान की गई हैं अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि लोगों के गलत अकाइद ईसा आल सलात सलाम के हवाले से जो ईसाइयों की तरफ से आए हैं उन्होंने तहरीफ किया तब्दीली की और इंजील को तब्दील करके रख दिया कुरान की बातों को नहीं माना तौरात तो में जो तस्करा था उसको भी नहीं माना नतीजा ये हुआ अपने हाथों से जैसा चाहा वैसा लिख दिया जैसा चाहा वैसे बयान कर दिया इसीलिए ईसा अलीसलात सलाम की उम्मत कितने फिरकों में तकसीम हुई बहत्तर यहूदी इकहत्तर ईसाई बहत्तर उम्मत महम्मदिया तिहत्तर तो ईसा सलाम की उम्मत भी इसीलिए अलग अलग, अलग फ़िरक़ों में बढ़ गई और उनके यहाँ अलग अलग, अलग फ़िरकों में ईसा ईसीलाम के तल्ल से अलग अलग अकायद हैं लेकिन जो कुरान और हदीस से जो उनके गलत अकीदे साबित होते हैं उसको हम देखते हैं इन लोगों ने ईसा आललातम को और इनकी माँ को मबूद बना लिया तो इस हवाले से अल्लाह ने जिक्र किया सूरतम क्या नंबर एक सौ पंद्रह से एक सौ बीस में अल्लाह ताली क़यामत के दिन सवाल करेंगे हुज्जत क़ायम करने के लिए लोगों के ऊपर के ईसा आंतकुल तनादूनी कईसा क्या आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को छोड़कर मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर माबूद बना लो तो सलाम सुबह नकमायकून तेरी साथ पाक है मैं वो बात लोगों से कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे ही नहीं है अगर मैंने कहा था तब तो तुझे मालूम है अगर मैंने कहा था तब तो तुझे नफसी वाला माफी नफसिक मेरे जी में मेरे मन में क्या है तू जानता है लेकिन तेरे अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता इन्ना का अंत अल्लाहयूब अल्लाह तो गैब का जानने वाला है अच्छा उसके बाद ईसा सलाम अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे और कहेंगे अलामा लहुम इला मा, मा अमर तनी भी अल्लाह मैंने इन लोगों से वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था कि ऐसा जाकर के लोगों के दरमियान ऐलान करो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है उसी की इबादत करो अल्लाह ताला से फिर कहेंगे कि मा मैं जब तक इनके दरमियान रहा तब तक मैंने यही दावत दी फलम तवफनी और अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी कुन तंतर रकीब आल तो अब तू उनका जिम्मेदार था कि उन्होंने मेरे दुनिया से जाने के बाद क्या किया इन तो अजिब हम फिन इबादुक वहाँ भी अल्लाह ताला से ईसा सलात वाम रहमत का सवाल करेंगे कहेंगे अल्लाह अगर तू इनको आज़ाद दे तो ये तेरे ही बंदे हैं और अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो बेशक तू गालिब है और हमत वाला है तू माफ़ कर सकता है तो ये एक गलत अकीदा कि ईसा अली सलात वसलाम को और उनकी माँ को ईसाइयों ने माबूद बना लिया इस तल्लुक़ से अल्लाह ताला ताकि हजत कायम हो जाए क़यामत के दिन ईसा आलाम से सवाल करेंगे दूसरी बात गलत अकीदा लोगों ने कहा कि ईसा आलाम अल्लाह के बेटे तो वकालत यहूद उज़ैरबन वकालत नसारसीबन अल्लाह ने सूरत तोबा के आयत नंबर तीस और इक्कीस में कहा यहूदियों ने कहा उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कैसे पीछे रह सकते थे ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह के बेटे अल्लाह क्या कहते हैं इनके अपने मुंह की बात है और मुंह में क्या है इंसान के मुंह में जो आता बक देता जो आता कह देता है तो उसकी कही हुई बात सच हो यह जरूरी नहीं है तो काफिरों के जैसा बन रहे हैं ल्ला, ल्ला, इनको गत करे फकून कहा भाग रहे ये लोग ये लोग अल्लाह का कोई बेटा अल्लाह की कोई औलाद कैसे हो सकती है इसीलिए अल्लाह ने एक दूसरी जगह क्या कहा माईदा के आयत नंबर बहत्तर में लकद कफर कालू, क्या कहा कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही ईसा इबन मरियम अल्लाह ही अल्लाहीसाई मतलब देखे कितना कन्फ्यूज है ये लोग कभी ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं कभी ईसा सलाम को अल्लाह कहते हैं कभी सलाम को उनकी माँ को भी महबूद कहते हैं अल्लाह को जोड़ते हैं गोया कि तीन महबूद मानते हैं कि गॉड तीन है महबूद तीन है रब तीन है एक अल्लाह एक ईसा एक उनकी माँ तो अल्लाह मतलब कन्फ्यूज़न का शिकार है तो ईसा सलाम अल्लाह के बेटे <कई> नहीं हैं अच्छा सलाम महबूद भी नहीं है अल्लाह ने कहा लकद कफ़ और क़ालु इन अला उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है यानी महबूद तीन है उसमें से एक अल्लाह है और बक़िया दो जो है वो ईसा है और उनकी माँ है। तो अल्लाह ने वही तरदीद की मल मसीह मरियम नरियमा रसूल का ईसा सलाम जो है वो एक रसूल हैं रसूल से बढ़ करके उनका कोई और मकाम नहीं यानी वो महबूद और रब नहीं है वो उम मोह सिद्दीका और उनकी माँ सच्ची है यहूदी क्या कहते थे कि जो है मरियम जानिया थी नौजुबिल्ला और ईसालाम को जिना कहते थे कि जना से पैदा हुआ लड़का तो अल्लाह ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है वो एक रसूल है उनकी माँ जो है वो सिद्दीका है सच्ची है काना या कुल ये दोनों खाना खाते थे और जो माबूद हो उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर अल्लाह ने कहा उनकून देखो कि कैसे हम लोगों के लिए आयतें बयान करते हैं अच्छा ये सारी बातें हो गई अब आखिर में आते हैं हम क्रिसमस और मुसलमान पर कि देखें 25 तारीख को मुसलमान की बहुत सारी एक बहुत सारे लोग मुसलमानों में से और ईसाई तो खुद हई हैं पूरी कौम है ईसा अलीसलातुसम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं मिलाद जिसे हम कहते हैं हमारे नबी की मिलाद लोग मनाते हैं तो मिलादुल्नबी कहा जाता है और ये मिलाद मसीही है ईसा अलीसलातलम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं कितनी तारीख को पच्चीस तारीख को पच्चीस दिसंबर को और दिसंबर कौन सा महीना है सर्दी का खजूरें कब पकती हैं गर्मी में सलाम जब पैदा हुए तब क्या था खजूरों का जमाना था खजूर तैयार थी इसी अलैकी रुतबन जनिया ये पेड़ में खजूर लगा हुआ है हिलाओगी तो तुम्हें खजूर देगा यह पेड़ तो वो खजूरों के पकने का जमाना था गोया कि वो सर्दी नहीं थी बल्कि गर्मी का जमाना था और सारी सलात जहां पैदा हुए वहां हमारे मुल्क के एतबार से वहां भी सर्दी और गर्मी का मौसम चलता जैसे हमारे यहां नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी का मौसम होता है अप्रैल मई जून जुलाई में गर्मी का मौसम होता है वैसे ही वहां भी था गोया की अगर कोई ये मानता है कि ईसा अली सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए तो वो कुरान का इनकार करता है और अगर कोई कुरान को मानता है तो वो ये कभी नहीं कह सकता कि ईसा अली सलात सलाम पच्चीस दिसंबर को पैदा हुए क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क छ महीने का फर्क है बहुत फर्क है दोनों में तो 25 दिसंबर को उनकी पैदाइश मानने वाला कुरान का इनकार करने वाला है कुरान को मानने वाला सलाम को 25 दिसंबर की पैदाइश या 25 दिसंबर को पैदा होने वाला नहीं मान सकता ये एक बात दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुसलमान हमारे नौजवान हमारे अपने बच्चे हमारे जो है ए, स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे अपने लोग हम अपने तरफ़ से जो है इस क्रिसमस के ताल्लुक से बेदार नहीं हैं इसीलिए ऐसे स्कूल में अपने बच्चों चले ठीक है स्कूल में एडमिशन करवा दिया लेकिन हमारे भी अपने कुछ उसूल होने चाहिए कुछ कवानीन होने चाहिए कि आप जो है मतलब क्रिसमस की पार्टी के लिए क्रिसमस की खुशियों के लिए आप मतलब कपड़े के लिए और न जाने क्या क्या सेंटा क्लॉस और न जाने ट्री और ये वो सब कुछ आप उसके लिए पैसे पे करते पैसे पे करते हैं आप ये गोया कि आप अगर मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस ये इस जैसे और दीगर जो अल्फाज हैं अगर आप बोलते हैं तो गोया कि आप ये कहते हैं नऊजुबिल्ला कि अल्लाह ने शादी की और अल्लाह ने बेटा चना वकाल लोगों ने कहा कि रहमान ने अपने लिए लड़का बनाया लक़द जी तुम इद्दा तुमने बहुत बड़ी बात कही। अर्दु हद्दा अल्लाह कहती ये इतनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात पर आसमान फट सकता है जमीन फट सकती है पहाड़ जो है वो रेजा रेजा चूरा चूरा हो सकता है इतनी बड़ी बात अंदाउल रहमानी वाला था इन लोगों ने रहमान के लिए लड़का बना दिया इतनी बड़ी जुरात कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटा बनाया तो अगर कोई जाने अनजाने में यह कहता है कि मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस या आपके अपने बच्चे अगर आपने तरबियत नहीं की है ये जो है ये गेम खेलते हैं हैप्पी हैप्पी खेलते हैं कि बोलो क्या होता है चलता है लोगों को खुश करना है ये अकीदे का मसला है ये ईमान का मसला है ये रब का मसला है ये माबूद का मसला है ये मामूली बात नहीं है कि चूरन और चॉकलेट वाली बात हो यहां चलने वाला माहौल नहीं है ये इतनी बड़ी बात है कि आसमान फट जाए जमीन फट जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए इतनी बड़ी बात है ये और हमारे यहां लोग चलता है चलता है कि नाम पर न जाने कौन कौन सा हैप्पी हैप्पी खेलते हैं कि सब चलता है नहीं चलता ये अपने घरों में इस चीज को दूर करें आपके अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त करें ईसा सलाम के बारे में उन्हें बताएं कि ईसा कौन है वो गॉड नहीं है वो मबूद नहीं है वो रब नहीं है वो मुश्किल कुशा नहीं है वो हमारे किसी काम नहीं आ सकते अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त करें इसलिए कि आप उनका अकीदा दुरुस्त नहीं करेंगे तो वो स्कूलों से ऐसा अकीदा सीखेगा कि जो उसे गुमराही के रास्ते पर लेकर के चला जाएगा अच्छा आइए कुछ सवाल देखते हैं एक सवाल ये देखें ईसाइयों के ताल्लुक से कितना कंफ्यूज है जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि एक सवाल सवाल नंबर एक पहला सवाल अल्लाह कौन है इनसे अगर पूछो गॉड कौन है तो क्या कहते हैं जीसस ईसा यसु गॉड कौन है यसु अच्छा इनसे उसी में अगला सवाल करो क्या ईसा मरियम के बेटे हैं तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे हां ईसा मरियम के बेटे सवाल आप याद रखें पहला सवाल पूछो क्या पूछो कि क्या गॉड कौन है जवाब ईसा अलैहिस्सलाम क्या ईसा सलाम मरियम के बेटे हैं जवाब क्या मिलेगा हाँ ठीक है तो फिर अगला सवाल करें कि मरियम को किसने पैदा किया अल्लाह ने अल्लाह कौन है ईसा यानी अल्लाह ईसा है माबूद गॉड ईसा है और गॉड की माँ मरियम को पैदा किसने किया इसी गॉड ने और उसी के जरिए फिर यह खुद ईसा पैदा हुए ये कंफ्यूजन है कितना ये 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 कितना एक सवाल यशु मतलब गॉड कौन है ईसा बेटे किसके हैं मरियम के मरियम को किसने पैदा किया अल्लाह ने अल्लाह कौन है ईसा पलट करके बाद घूम फिर करके वही आ रही जहां यह कंफ्यूजन दूसरा सवाल क्या ईसा सलाम किसी के बेटे हैं जवाब मिलेगा हाँ जवाब मिलेगा क्या कि हां तो अगला सवाल करें कि इनका बाप कौन है तो क्या कहेंगे अल्लाह भाई क्या कहते हैं अल्लाह ईसा सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो अगर इनसे पूछें क्या ईसा सलाम किसी के बेटे हैं तो जवाब क्या देंगे हाँ तो आप पूछें इनका बाप कौन है तो क्या कहेंगे अल्लाह फिर अल्लाह कौन है ईसा मतलब सब कुछ मिला जुला करके ईसा ईसा बेटा भी ईसा महबूद भी ईसा जो है बाप भी सब कुछ वही है किसी के बेटे हैं हाँ बाप कौन है अल्लाह अल्लाह कौन है ईसा सब घुमा फिरा करके ये दूसरा सवाल तीसरा सवाल क्या ईसा रसूल थे इनसे पूछे आप तो क्या कहेंगे हाँ बात है, कहेंगे, रसूल थे, मेसेंजर थे। अच्छा आप अगला सवाल करें कि उनको रसूल किसने बनाया अल्लाह ने तो फिर अगला सवाल करो कि अल्लाह कौन ईसा भाई सब कुछ खुद कर रहे तो बकियात इंसानों की दुनिया में आने की क्या जरूरत थी बकिया चीजों की क्या जरूरत है यानी अल्लाह वो रसूल थे हाथ थे किसने रसूल बना करके भेजा अल्लाह ने अल्लाह कौन ईसा ये तीसरा चौथा सवाल ईसा अली सलाम क्या नमाज पढ़ते थे इबादत करते थे कहेंगे हां करते थे तो आप पूछें किसके लिए तो कहेंगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह कौन ईसा वो खुद ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ अल्लाह कौन है खुद है ईसा अच्छा पांचवा और आखिरी क्या अल्लाह का कोई आगाज है स्टार्टिंग अल्लाह का कोई आगाज है नहीं है वोल 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 वही, अवल, वही आखिर वही जहा सब कुछ अल्लाह ताला है उसके कोई स्टार्टिंग नहीं कोई एंडिंग नहीं तो आप अगर इनसे पूछें क्या अल्लाह का कोई आगाज है तो क्या कहेंगे नहीं है अल्लाह का कोई आगाज नहीं है अच्छा फिर अगला सवाल करें 25 दिसंबर को कौन पैदा हुआ ईसा Allah कौन है तो ईसा आई सलाम की स्टार्टिंग कहां से हो रही है पच्चीस दिसंबर से तुम्हारे अपने कहने के हिसाब से और तुम्हारा दूसरी तरफ यह दावा है कि अल्लाह की कोई स्टार्टिंग नहीं अल्लाह ताला की कोई इब्तदा नहीं है और दूसरी तरफ तुम ईसा सलाम को गॉड कह रहे हो और उनकी इब्तदा पच्चीस दिसंबर से मान रहे हो कौन सी दुनिया में हो ये जो कुछ आते हैं ये सवालात हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि देखो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कौम कंफ्यूजन का शिकार है और तामक इसीलिए अल्लाह ने जब देखें कोई बंदा जब गुमराही के रास्ते पर जाता है तो अल्लाह उसके लिए गुमराही का रास्ता आसान कर देता है फिर उसको ये लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है गर्चे वो दुनिया का सबसे गलीज इंसान हो सबसे बदबूदार इंसान हो सबसे बुरा इंसान हो लेकिन उसको यह लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है इसीलिए कौम यहूद क्या कहते हैं कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे जन्नत में सिर्फ ईसाई जाएंगे और ये लोग बड़े आराम से कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह के महबूब हैं हमें जहन्नम की आग नहीं टच करेगी टच करेगी तो थोड़े दिन उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ने जगह जगह कहा भाई दलील लाओ दलील लाओ अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो कहने से बात नहीं बनती है कहने से मामला हल नहीं होते हैं तो इसीलिए पूरी ईसाई कौम कुछ भी कहा करे ईसा सलाम के ताल्लुक से उनकी माँ के ताल्लुक से लेकिन हमें अपना अक़ीदा दुरुस्त करना है अपने बच्चों को सही दीन बताना है अपने बच्चों को इस किस्म के सवालात बताने और ख़ास तौर से जो सेंट जोजफ़ में मैरी में न जाने कौन कौन से स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी ख़ास तौर से तरबियत करनी है और इस जैसे सवालात उन्हें अपने टीचर से अपने इस पढ़ाने वालों से और ईसाइत की तालीम देने वालों से करना चाहिए कि भाई पहले तुम खुद अपना खुलिया और अपना स्ट्रक्चर अपनी बुनियाद ना बेस दुरुस्त करो तुम खुद कंफ्यूजन का शिकार हो कि माबूद कौन है गॉड कौन है अल्लाह के बेटे कौन है अल्लाह कौन है बाप कौन है बेटे। सारी चीजें खुद तुम कंफ्यूजन का शिकार हो और दुनिया को मजहब की तालीम देने आए हो तुम्हारा दीन बातिल है जिस पर तुम चल रहे हो दीन हकीकत में वही है जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है वो दीन इस्लाम है इसीलिए अल्लाह ने कहा वो मैं यब तगी अल इस्लामी दीन फ़लं यकबला मिनहूं जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और दीन तलाश करे तो कबूल नहीं किया जाएगा वह हुआ फ़िलआरत मिनल खासरीन, और वह आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा आप जिस दीन पर हैं वो दीन सबसे प्यारा है अपने दीन की बुनियादें इसके अकाइद और इसकी तलीमत को सीखें समझें तमाम अम्बिया पर ईमान रखना ज़रूरी है और वैसे ही ईमान रखना ज़रूरी है जैसा क़ुरान और हदीस में बयान किया गया है अगर उससे हमने जर्रा बराबर भी इनहराफ किया तो गोया कि हमने अपने अकीदे का अपने ईमान का सौदा कर लिया और ऐसी सूरत में इसी हाल में मर जाने वाला बंदा अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा रबालमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को कुरान हदीस की बातों को पढ़ने समझने उन पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए अम्बिया कराम पर ईमान रखने और कुरान हदीस के अंदर ज़ायद की बातें हैं उन्हें उन पर हमें मुकम्मल तौर से ईमान रखने की तोफ़ी अतः फ़रमाए अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातम तो ख़ातिमा बिलखैर हो वसल तला नबीना महमदू माली वास्ब याजमअन बिरतिक्रामी ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته